हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप कुछ भी मिस करते हो तो आप लोगों का ही लॉस्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको पहले से। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपना यूट्यूब वीडियो में टैग लगा सकते हो, वो भी सही वाला टैग, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि टैग क्या होता है और इसका क्या क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। हमने देखा होगा ये कहीं बार, अगर आपको कुछ वीडियो बनाना हो तो आप सर्च करते, आपको कुछ चाहिए हो तो आप सर्च करते यूट्यूब में, जैसे कि आपको देखना है कि यूट्यूब अकाउंट किस तरीके से खोलना है, तो आप डायरेक्ट हाउ टू मेक यूट्यूब अकाउंट करते ही कहीं लोगों का जो चैनल उसने बनाया वाला वीडियो जो है अपने आप से वहाँ पर शो होता है। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि उन लोगों ने अपना टैग सही तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि अब मान लो कि आपको एक वीडियो बनाना है, जो कॉमेडी वीडियोस हो या जो भी होगा चलेगा। जैसे कि आप एक कॉमेडी वीडियो बना रहे हो तो आप उसका टाइटल दे दोगे कॉमेडी वीडियो ऑफ लॉकडाउन, तो आप उससे अपलोड कर दोगे और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बताओगे भी मूवी में क्या क्या हो रहा है या क्या क्या नहीं हो रहा है। पर अगर आप उस वीडियो में टैग नहीं लगाते हो तो आपका ये वो वीडियो जो है कभी भी दूसरा तो पूछ ही नहीं पाएगा। जो लोग आपका वीडियो देखना चाहते हो वो सर्च भी करेगा तब भी आपका वीडियो जो है उन तक नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस वीडियो में टैग ही नहीं डाला, ठीक है। टैग सबसे बड़ा महान काम करते हैं यूट्यूब में। अगर आप अपना हर वीडियो में अच्छे तरीके से टैग लगाना जानते हो तो आपका हर वीडियो जो है वायरल होने के बहुत ही चांसेस होते हैं, ठीक है। अब टैग में भी वैसे वैसे टैग नहीं होता है, अपना आप जिस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाते हो उस टॉपिक से रिलेटेड ही आपको टैग लगाना होता है, ठीक है। जैसे कि हाउ टू मेक यूट्यूब अकाउंट, तो आपको उससे रिलेटेड ही टैग लगाना होता है। तो वो किस तरीके से लगाना है वो तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, तो आपको हमारे वीडियो जो अंत तक देखना है, ठीक है। मैं आपको अपना मोबाइल स्क्रीन पर लेजर को बताऊंगा क्योंकि मेरे पास दूसरा कैमरा नहीं, ना ही दूसरा मोबाइल है मेरे पास। तो नमस्ते, मेरा नाम है चिदम मुर्मू और आप देख रहे हैं हमारा चैनल छिडू स्टूडियो को। तो चलिए गाइस, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। मैं आ गया हूँ अपना मोबाइल स्क्रीन पर आपको ये सिखाने के लिए कि आप किस तरीके से अपना यूट्यूब वीडियो का टैग लगा सकते हो। तो इसके लिए तो आपको सबसे पहले यूट्यूब में जाकर आपको आपका वो वीडियो अपलोड कर देना है, ठीक है। कहाँ से? आप यहाँ पर जाइए, एक वीडियो लोगों देख रहे हैं। अगर आपका न्यू यूट्यूब होगा तो आपका मैसेज तीन तरीके से नहीं आएगा, आपका डायरेक्ट वीडियो और लाइव लाइव आएगा, ये पोस्ट वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये जो मेरा दूसरा चैनल है तो मैंने यहाँ से आपको टैग लगा कर दिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो अपलोड करते समय आपको अपना वीडियो जो पब्लिक नहीं करना है, ठीक है। आपका वीडियो अपलोड करते समय आपको प्राइवेट रख के डायरेक्ट बिना टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखे ही आपको उससे अपलोड कर देना है, ठीक है। अब आपका अपलोड 100% हो गया तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको YT स्टूडियो आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अगर एक न्यू यूट्यूबर हो तो आपको ये पता नहीं होगा कि आपको YT स्टूडियो की बहुत ज़रूरत है, तो आपको YT स्टूडियो डाउनलोड कर लेना है। तो आपको YT स्टूडियो डाउनलोड करने के बाद आपका सामने पहले तो इस तरीके से नहीं आएगा, आपका ये डिस्कबोर्ड में आएगा। तो डिस्कबोर्ड में थोड़ा अलग तरीके से आता है, ठीक है। आपको डिस्कबोर्ड पर किसी तरीके से आएगा तो इसमें से सबसे पहले वाला जो है जो हमने अभी अपलोड किया वो वाला है। तो हमें क्या करना है, इस वीडियो पर डायरेक्ट सिंपली एक क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीन तरीके से, और एक पेंसिल, दो शेयर वाला टाइप, और तीन वाला में जो है यूट्यूब दिखा रहा था। हमें क्या करना है, पेंसिल वाला पर दबा देना है, ठीक है। पेंसिल वाला पर दबा देंगे, उसके पीछे क्या है, यहाँ पर टाइटल दिखा रहे जिसमें 15 May 2020 दिखा रहे थे। मैंने ये वीडियो 15 May को अपलोड किया था, तो इसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा अब तक, टाइटल या डिस्क्रिप्शन, और इसे प्राइवेट रखा था, टैग बिल्कुल भी नहीं लिखा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस वीडियो का एक टाइटल दे देंगे हम, ठीक है। हम इस वीडियो का टाइटल क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से इससे मार्क करके मिटा देंगे, या तो फिर आप एक एक करके भी मिटा सकते हैं। आप ये वीडियो जो हमने लिखा था हाउ टू मेक गूगल अकाउंट इन हिंदी 2020, ये हो गया हमारा इस वीडियो का टाइटल, ठीक है। हाउ टू मेक गूगल अकाउंट इन हिंदी 2020, ये हमने टाइटल रखा। आप नीचे पर आ रहा है डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा। आप क्या करोगे, अपना मोबाइल का नोटबुक है ना, नोट को आप ओपन कर लोगे, आपको पहले से ही आपको एक डिस्क्रिप्शन लिख के रखना है कुछ हमारा, जिसे यहाँ पर मैंने
अपना सारा डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर लिख कर रखा हुआ हूँ, तो आपको यहाँ से अगर आपका दूसरा वाला लिखा हुआ तो उसको आपको मिटाना है। यहाँ तक हमारा सही है, तो हम क्या करेंगे इसको फिर से यहाँ पर थोड़ा लिख देंगे हाउ टू मेक गूगल अकाउंट इन हिंदी 2020। ठीक है, ये अब हमने इसे लिख लिया, ये इसको ये नीचे वाला में आपको ध्यान रखना है कि जो आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे ना उस टाइम में आपको सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में अपना टाइटल देना है। ठीक है, अपना जो वीडियो का टाइटल दिया वो टाइटल रखना जिसे हमने यहाँ पर रखा है, उसके पीछे आपको दो गैप छोड़ना है जिसे हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ है। दो गैप छोड़ने के बाद आपको यहाँ पर अबाउट दिस वीडियो लिखना है। ठीक है, इस वीडियो के बारे में लिखना है आपको, अबाउट दिस वीडियो फर्स्ट लाइन में लिखिए, उसके पीछे उसके नीचे में आपको इस वीडियो में क्या सिखाया है और क्या क्या आपको वो लिख लेना है। लिखने के बाद आपको क्या करूँ उसका नीचे में एक लाइन या फिर दो लाइन छोड़ो, दो लाइन छोड़ने के बाद अपना सोशल लिंक उसमें पोस्ट करो। ठीक है, आपका फेसबुक का लिंक हो या फिर आपका जो रिव्यू किया गया या जो भी आपका लिंक है, आप यहाँ पर आवर सोशल लिंक के नाम से फर्स्ट में आवर सोशल लिंक है, उसके पीछे यहाँ पर आप एक एक का नाम के साथ साथ लिंक देना शुरू कर दीजिए। उसके पीछे आप यहाँ पर डिस्क्लेमर, ठीक है, अगर आपका वीडियो में आपने किसी और का सॉन्ग वगैरह जो है अगर यूज़ किया होगा तो आपको डिस्क्लेमर भी लिख लेना है उस तरीके से। डिस्क्लेमर कॉपीराइट डिस्क्लेमर अंडर सेक्शन 207 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट, यहाँ पर सारा जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में जो आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लिखना है, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये सब तो आज का वीडियो का टॉपिक भी नहीं है, पर भी अगर आपको हेल्प हो सके तो ये समझ कर मैं कर रहा हूँ। उसके पीछे हमें इसको कॉपी करके क्या करना है, अपना उस YT स्टूडियो में चला जाना है। उसके पीछे आपको एड डिस्क्रिप्शन में एक बार दबाने के बाद आपको यहाँ पर ढेर सारा जो हमने अभी कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके पीछे आ रहा था प्राइवेट, ठीक है, कि हमने जो अपलोड करते समय इसको पब्लिक नहीं किया था, अब इसको हम अगर पब्लिक करना चाहें तो हम पब्लिक, उसके पीछे अनलिस्टेड, अगर ये जो है आप अनलिस्टेड करते हो तो कहीं पर भी ये शायद अगर वीडियो वायरल होगा तो कहीं पर भी ये शो अप करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट सिर्फ हम ही लोग देख सकते हैं उसे। उसके बाद शेड्यूलेट, यहाँ पर आप यहाँ पर शेड्यूलेट करेंगे तो आप जब चाहे उसे रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप आज ही अपलोड कर देंगे और आप डेट रखोगे कॉल का, तो कॉल 5 बजे में आपने डेट रखा तो 5 बजे होते ही अपना आपसे पब्लिक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रख सकते हैं आप। मैं इसको प्राइवेट ही रखने वाला हूँ, इसको पोस्ट नहीं करूँगा। इसके पीछे आ जाते ऐड टू प्लेलिस्ट, अगर आपको ये वीडियो कौन सा प्लेलिस्ट में रखना है, हाउ टू मेक वाला एक प्लेलिस्ट बना लो, उसके पीछे आप वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, उसके पीछे यहाँ पर है ऐड टैग, आज का मुद्दा यह है ऐड टैग, अब आपको टैग किस तरीके से लिखना है, आपको क्या करना है। सबसे पहला टैग तो आपको यही से अपना टाइटल से ही कुछ तरीके से कॉपी कर लेना। ठीक है, आपको टाइटल में थोड़ा देर तक दबा के रखिएगा, थोड़ा देर तक दबाने से आपको ये ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ऑल, आपको सिलेक्ट और या तो फिर अपन हाथों सब कुछ कॉपी कर लीजिएगा। उसके पीछे ये टैग पर एक बार दबाने के साथ नीचे पर आना शुरू होगा, आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बटन देख रहे हैं जो ये बटन है, हाँ, उस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ अभी हमारा पहला टैग जो है चला गया। ठीक है, अब हमें इस वीडियो से रिलेटेड रखना है, कहा था मैंने जैसे कि हाउ टू मेक गूगल अकाउंट इन हिंदी, तो अब आपको नेक्स्ट किसे लिखना है आपको, ठीक है, यहाँ पर गूगल अकाउंट कैसे बनाए टाइप लिखना, उसको इसको भी टैग कर देना है। आप थर्ड में आप क्या लिखोगे, अपना चैनल का नाम दोगे। ठीक है, अपना चैनल का नाम दीजिए आप, जैसे कि हम यहाँ पर देंगे, ये वाला मेरा दूसरा चैनल है, तो हम यहाँ पर देंगे मेरा बाप टाइप चैनल का नाम है, तो आपको थर्ड में अपना चैनल का नाम दे देना। उसके पीछे फोर्थ में अगर आप अपना नाम देना चाहते तो आप उस पर अपना नाम भी दे सकते हैं फोर्थ में। ठीक है, आपको अपना नाम दे देना, आप उसके पीछे आपको फिर से अपना वीडियो से रिलेटेड टैग लगाना शुरू करना चाहिए। आपको किस तरीके से आप करेंगे, तो आप थोड़ा इसको बैक करेंगे, फिर से आप यूट्यूब में जाएंगे, उसके पीछे आप यहाँ पर सर्च करोगे। ठीक है, सर्च पर हाउ टू मेक गूगल अकाउंट कर दोगे। ये करने के साथ यहाँ पर ढेर सारा देखिए ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर जो सबसे पहले पर आ रहा है उन लोगों का नाम वाला हैशटैग रखना। ठीक है, गूगल अकाउंट कैसे बनाए न्यू ट्रिक टाइप में आपको भी यहाँ पर आ जाना है। उसके पीछे देखिए गूगल अकाउंट कैसे बनाए न्यू ट्रिक करके आपको इसको भी पोस्ट कर देना है। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो फिर आप इस तरीके से ना करना चाहें तो क्या करेंगे,
फिलहाल तो मैं ये वाला ही पूरा कर देता हूँ। अब हमने ये सब जो है अपना गूगल से रिलेटेड ही टैग रखा हुआ है, ठीक है, जिससे कि हाउ टू मैं गूगल अकाउंट किसे बनाया, असल मेरे पास चैनल का नाम अपना नाम भी देना, उसका भी फिर से हाउ टू क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएट ए गूगल अकाउंट करके इसको भी आप टैग कर देना है। आप नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना यूट्यूब थंबनेल लगाना शुरू कर देना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पेंसिल देख रहे हैं, आपको पेंसिल वाला ऑप्शन पर जाकर आप थंबनेल रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको थंबनेल बनाना नहीं आता होगा तो मेरा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो मैंने पहले से ही एक थंबनेल किस तरीके से बनाना वो वीडियो बना चुका है। उसके पीछे आपको क्या करना है, नेक्स्ट एडवांस सेटिंग पर जाना है। उसके पीछे आपको यहाँ पर कैटेगरी पर आपका वीडियो का कौन सा कैटेगरी है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, एजुकेशन वगैरह से कॉमेडी होगा तो कॉमेडी किए, कार्ड्स एंड वायलेंस होगा तो आपको जो भी अपना जो कैटेगरी होगा आप किस टॉपिक को बनाते हो उसको आपको चूज कर लें, ठीक है। तो अभी फिर आप ये वाला चैनल तो मेरे एंटरटेनमेंट वाला है, तो एंटरटेनमेंट मेरा लोगों के पीछे आते हैं। लाइसेंस एंड राइट ओनरशिप आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रख दीजिएगा, इसके बारे में क्यों रखना है मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। उसको भी चाहते थे यहाँ पर नीचे ऑडियंस इज दिस वीडियो मेक फॉर किड, ये जो है यूट्यूब का नया रूल है, क्योंकि यूट्यूब को बहुत ही बड़ा घाटा हुआ था तो 2019 में, इसको वजह से यूट्यूब ने एक नया रूल बनाया था कि अगर हम जब भी कोई भी वीडियो बनाते हैं तो हमारा चैनल जो है बच्चा लोगों के लिए है या नहीं, हमें ये सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अगर आपका ये वीडियो जो है उस वीडियो में बच्चा नहीं देखा या फिर बच्चा लोगों के लिए नहीं बनाया होगा तो आपको क्या करना है, नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके पीछे आपको नेक्स्ट क्या करना है, सेव पर कर देना होता है, ठीक है। सेव करते ही आपका जो ये सब जो है ना होना शुरू हो जाएगा सेव पर, ठीक है। सेव करते फिलहाल मैंने इसे प्राइवेट ही रखा हुआ था, मेरा ये सेव नहीं हुआ क्योंकि पहले से मेरा ये प्राइवेट था। तो अब हम आपको फिर से नेक्स्ट स्टेप यानी कि और भी एक आसान तरीके से आप अपना वीडियो का टैग लगा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाके टैग प्रो ट्यूब टैग प्रो जानना है, ठीक है। यहाँ पर यूट्यूब प्रो डाल लीजिए, इसके पीछे यहाँ पर टैग ट्यूब टैग यूर यूट्यूब बोलोगे कुछ इस तरह से आएगा। आपको ये एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, अवेलेबल प्ले स्टोर में है ये, या तो फिर मैं इसका लिंक जो दे सकता हूँ, तो अगर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा तो वहाँ से सिंपली उसका वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये ऐप्स डाउनलोड करने के बाद हम ये एप्लीकेशन को खोल लेंगे, ठीक है, ओपन कर लेंगे। ये एप्लीकेशन मैंने आपको इसलिए सजेस्ट किया, अगर आप अपना वीडियो जो है बहुत जल्द अपलोड करना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और आपको टैग वैग लिख कर भेजने में बहुत टाइम लगेगा, आप ये सोचते हैं, तो उस समय आपको ये वाला जो है यूज़ करना है। आपको क्या करेंगे, आप वीडियो किस कैटेगरी में आपको वो वीडियो का यहाँ पर सर्च करना है सबसे पहले, ठीक है। आप अगर फेसबुक बनाने वाला वीडियो एक डालते हो तो हाउ टू मेक भी कर दो, यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। आते ही यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये वीडियो का जो तीन डॉट है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर शेयर के बटन पर जाएंगे, शेयर बटन पर जाने के बाद कॉपी लिंक कर देंगे, ठीक है। उसके पीछे बैक करेंगे, उसके पीछे हम वो एप्लीकेशन में जाएंगे, आगे हमने खोला था टैग ट्यूब में, उसके पीछे यहाँ पर हमें उस वीडियो का लिंक यहाँ पर दे देना है। देने के बाद हम क्या करेंगे, सर्च कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। सर्च करते हुए उसमें जो भी उसने टैग दिया हुआ है यहाँ पर सारा का सारा रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर उसने सब कुछ टीच मी डेली उसका चैनल का नाम रहा होगा, हाउ टू क्रिएट न्यू फेसबुक, उसके बाद हाउ टू क्रिएट फेसबुक अकाउंट। देखिए हमने कहा था कि आपको जो भी है अपने वीडियो का रिलेटेड से ही रखना है आपको, ठीक है। आपका वीडियो कौन सा टॉपिक है उससे रिलेटेड रखना है, ऐसा नहीं है कि आपका वीडियो में आप फेसबुक बनाना सीख रहे हो और वहाँ पर टैग आप यूट्यूब बनाने वाला टैग लगाते नहीं, आपका वीडियो कभी भी रैंक नहीं करके। इसके लिए आपको अब आपको ये वाला टैग यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि सिंपली ये सब कुछ आप मार्क कर लेंगे, मार्क करने के बाद आपको यहाँ पर एक दो बटन दिख रहा है, आप वहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर करते ही कॉपी हो गया ये, ठीक है। अब कॉपी हो गया, अब हम फिर से अपना वाइट स्टूडियो में जाएंगे, उस वीडियो में जाएंगे, उस वीडियो में जाने के बाद अब हमें इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिलहाल तो हमारी बहुत लंबा हो गया तो हमें क्या करना होता है, उन सबको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे किस तरीके से, एटलीस्ट हाँ देखिए ये हमने सॉरी टाइटल में हमने पेस्ट कर दिया उसको। हमें क्या करना है, एड टैग पर जाकर हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना होता है, तो यहाँ पर देर सारा आना शुरू हो जाएगा अगर आपको एक एक करके टैग लगाना चाहिए, ठीक है। मैं सजेस्ट करता हूँ आपको एक एक करके कॉपी करके आप लगाई, सारा का सारा मार्क करके ना लगाई, ताकि सारा का सारा मार्क करके लगेगा तो आपका टैग बहुत ही लंबा हो जाएगा, एक ही लाइन पर घुस जाता है, ठीक है। इसका आपको एक एक करके टैग लगाना, सबसे पहले
करके उसको जब कॉपी करना है, फिर आपको यहाँ पर आना है, उसको भी सबसे पहले आया वाला को आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप करते जाइए तो आपका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप अपना टैग अच्छी तरीके से लगाते तो आपका वीडियो जो है नंबर वन पर रैंक करेंगे, जिससे कि हम आपको पूरी तरह से देखते हैं। अब मेरा चैनल जिससे कि स्टूडियो टाइप में है, तो हम जिसे ये करते हैं हमारा अपना आपसे चैनल जो फास्ट में शो अप करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने जो भी वीडियो रखा हुआ है उसमें अपना चैनल का नाम भी टैग दिया हुआ है, ठीक है। आपको भी इस तरह से अपना चैनल का नाम भी जिससे भी करके टैग देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगे कि हेल्पफुल था तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बाजू में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूले, ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहले पहुँचे। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट या फिर हैव अ गुड डे।